अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि आपकी रोटी का साइज कितना बड़ा है? और आप रोटी बंद करेंगे या खाते रहेंगे, हर इंसान परेशान होता है। बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर आयशा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं रोटी को बंद नहीं कर सकता। और बंद करना चाहिए भी नहीं, आप रोटी को क्यों बंद करें? लेकिन आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि आपकी रोटी का साइज कितना बड़ा होना चाहिए। कोई कहता है इतने ग्राम्स का पेड़ा हो, कोई कहता है उतने ग्राम्स का पेड़ा हो, हमारे पेड़े का साइज कितना बड़ा हो। हर इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता कि हर वक्त को पैमाइश करता रहे, पेड़ों को नापता रहे। अल्लाह ताला ने इसका सिस्टम हमें कुदरती तौर पे दिया है। जो लंबे लोग हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, बड़े हैं, उनके हाथ और पांव भी लंबे चौड़े हैं। अब ये मेरा हाथ है, मेरी कदकाठ के मुताबिक जो मेरी प्लेट का साइज होना चाहिए या मेरी रोटी का साइज होना चाहिए, वो मेरे हाथ की फैली हुई उंगलियों के बराबर होना चाहिए। ये जो मेरी प्लेट होनी चाहिए वो इस तरीके से, जैसे मैंने अपने ये हाथ जोड़े हैं, इस तरीके से होने चाहिए। जो कुदरती तौर पे लंबे चौड़े लोग हैं, उनके हाथ भी बड़े होते हैं, तो उनकी जो रोटी का साइज होगा वो भी बड़ा होगा। मेरी जो रोटी का साइज है वो एक फैले हुए हाथ जितना, यानी कि मेरी जो रोटी है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चीजों को लेके चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका वजन भी मेंटेन रहता है और वजन की ज्यादती भी नहीं होती। अगर आप हर वक्त पेड़े को मापते रहेंगे या फिर पेड़े की वेट को देखते रहेंगे या फिर आप ये देखते रहेंगे कि हम रोटी खाएं या ना खाएं, तो जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। कई दफा ऐसा हो जाता है कि हमारे वजन की ज्यादती हो जाती है या फिर ये कि रोटी हम ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर किसी वक्त आपसे खाने की ज्यादती हो चुकी है तो ये मैं आपको एक लंच बॉक्स दिखा रही हूँ। इतना बड़ा लंच बॉक्स आप दाल का सूप या कैबेज सूप ले सकते हैं अगला पूरा दिन दो दफा, या फिर इतना बड़ा लंच बॉक्स आप फ्रूट्स का ले सकते हैं और इतना ही बड़ा लंच बॉक्स आप उसके अंदर वेजिटेबल्स या फिर उसके अंदर क्यूकम्बर्स डाल के, उसके अंदर शिमला मिर्च, गाजर, ये सारी चीजें डाल के यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको रोटी की एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ तो कप का साइज, जिसको कि पोर्शन कंट्रोल कहते हैं, वो कि इतना बड़ा होना चाहिए। एक टाइम पे आप दाल या सब्जी का इस्तेमाल करें और दूसरे टाइम पे आप प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि गोश्त ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, फिश भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, कीमा भी, लेकिन इससे ज्यादा उसकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस पैटर्न से अगर आप अपने तीन मील्स को लेके चलेंगे, एक नाश्ता, एक दोपहर का खाना, एक रात का खाना, तो इंशाल्लाह ताला आपका वजन भी बिल्कुल मेंटेन रहेगा, वजन की ज्यादती भी नहीं होगी और आप रहेंगे बिल्कुल फिट डॉक्टर आयशा के साथ। शुक्रिया।